हेलो डियर स्टूडेंट राइट, तो अभी हम लोग जो एडमिशन का सम सॉल्व कर रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें गुडविल को रिटर्न ऑफ भी करना है राइट। तो सब अच्छे से करा दूंगा, कोशिश करता हूँ कम टाइम में तुम्हारा काम आसान कर दूँ राइट। तो एडमिशन में क्या होता है मालूम है क्या, देर आर टू पार्टनर्स और थर्ड पार्टनर एंट्री करेगा मतलब बिजनेस में आएगा तो कैश लाएगा और गुडविल लाएगा। ओके, कैश को डायरेक्टली लेकर थर्ड कॉलम में, गुडविल को बांटना है। ओके, तो ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट है, इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं। एसेट्स की वैल्यू बढ़ी घटी, यर कैपिटल अकाउंट तीन कॉलम की बना क्योंकि देर आर थ्री पार्टनर्स और अपना बैलेंस शीट। ये क्या अपना बैलेंस शीट। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करके एडजस्टमेंट टिक मार्क करना पड़ता है। तो गौरव एक नया पार्टनर है, वो 20,000 रोकड़ा ला रहा है और गुडविल कितना लाया 60,000 रिटर्न ऑफ बोला है। तो ये दो लाइन हम लोग को मेन सीखना है। लैंड एंड बिल्डिंग पे 20%, तो इधर टिक मार्क कर देंगे। प्लांट एंड मशीनरी पे 10% टिक मार्क किया। आरईडी पे 5% टिक मार्क किया और स्टॉक और फर्नीचर पे क्या कर दिया, टिक मार्क कर दिया राइट। तो ऐसा एडजस्टमेंट है और स्टार्ट कर देगा। तो सबसे पहला पोस्टिंग है ना, और रेशियो क्या दिया है, इक्वली रेशियो क्या दिया है, इक्वली। सबसे पहला पोस्टिंग एसेट से करेंगे। फर्स्ट नाम क्या पढ़ो, लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या होता है, एसेट होता है ना, तो इसको एसेट्स में पोस्ट कर देंगे ठीक है। इधर लिखेंगे लैंड और बिल्डिंग, कितना अमाउंट दिया लैंड एंड बिल्डिंग का 50,000। इनर कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि एडजस्टमेंट है। प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है, एसेट्स 20,000। अंदर क्यों लिखा, एडजस्टमेंट है। फर्नीचर एसेट्स 8,000, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम भी बचेगा काम भी होएगा। एसेट्स, स्टॉक भी क्या है, एसेट होता है, कितना अमाउंट है 16,000। डेटर्स कितना है 24,000, डेटर भी एसेट्स है। अंदर क्यों लिखा, क्योंकि एडजस्टमेंट है। ओके, कैश, कैश मतलब रोकड़ा होता है, तो इधर आप कैश अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। मैं शॉर्टकट पढ़ा रहा हूँ राइट, ताकि तुम्हारा काम आसान होगा, मार्क्स मिलेगा। ओके, कैश कितना है 12,000, तो 12,000 हमने ब्रैकेट में लिखा। अब नया पार्टनर आएगा, टिफिन में मिठाई के डब्बे में पैसा लाएगा तो कैश ऐड करेंगे राइट, गुडविल लाएगा तो वो सब सीन अपन बाद में करेंगे। तो एसेट्स में लिख दिया। नाउ वी हैव टू पास द एंट्री ऑफ लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी में पहले नीचे से सॉल्व करेंगे, क्रेडिटर्स क्या दिया है, तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ओवरड्राफ्ट, ये सब यही आएगा ना। अभी फिलहाल अकेला कौन है, क्रेडिटर्स, उसका अमाउंट डाल दो। क्रेडिटर्स कितना दिया है 10,000, यहाँ 10,000 लिख दिया ठीक है, एडजस्टमेंट नहीं है। अब इधर दिया कैपिटल अकाउंट, क्या दिया है, संकेत निकेत, इसका 60 इसका 40, तो देर आर टू पार्टनर, तो संकेत के जगह पे 60,000 लिखेंगे और निकेत के जगह पे 40,000। किधर, कैपिटल के क्रेडिट, क्या करके लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ओके, आफ्टर दैट जनरल रिजर्व कितना दिया है 20,000। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व फंड, व्हाट इज ये, क्या है ये, कंपनी का जमा किया पूंजी है, जमा किया पैसा है। तो ये किसको मिलेगा, जो पुराना पार्टनर है उसको मिलेगा, उसको थोड़ी देंगे। ये भी एंट्री मार रहा है ना, ये किधर मार रहा है, एंट्री मार रहा है। तो कितना अमाउंट है 20,000, कितना अमाउंट है 20,000, और रेशियो कितना, इक्वली। इक्वली का मतलब होता है आधा आधा, मतलब 20 है ना, तो 10,000 इसको मिलेगा, 10,000 इसको मिलेगा। अगर अलग रेशियो रहता तो वो रेशियो में आपको बांटना पड़ता। तो ये प्रॉफिट बांट दिया, कितना 10,000 इसको मिलेगा, 10,000 इसको मिलेगा। तो ये टेबल आपका सॉल्व हो गया, यू हैव जस्ट पोस्टेड दी पोस्टिंग। ओके, नाउ वी हैव टू सॉल्व दी एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट का इफेक्ट कितना आएगा, दो आएगा ना यार। तो सबसे पहले शुरुआत किससे करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड, इट इज़ अ मेन पार्ट, तो लास्ट में सॉल्व कराऊंगा। रेड लाइन फर्स्ट सेकेंड, पहले थर्ड से करेंगे। एप्रिशिएट क्या बोला है, एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट मतलब वैल्यू कम होता है, एप्रिशिएट वैल्यू बढ़ता है। तो एप्रिशिएट मतलब प्लस करेंगे, कितना परसेंट बोला है, तो लैंड एंड बिल्डिंग पे 20%, ऐसे करेंगे प्लस एप्रिसिएशन, 10% 5,000 आएगा, तो 20% 10,000 आएगा। 50 पे 10 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 60,000 आ गया। और प्लांट एंड मशीनरी पे 10% क्या बोला, डेप्रिशिएट, क्या बोला है, डेप्रिशिएट मतलब कम हो गया वैल्यू, तो इधर लिखेंगे माइनस 10%, तो 10% मतलब 2,000, इधर हो जाएगा 18,000 है ना। तो एडजस्टमेंट को दो बार लिखते, कितना बार लिखते, दो बार। तो एसेट्स में जो भी माइनस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। ये अपना पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट, वन एंड द सेम, तो वी हैव टू राइट हियर। ओके, तो क्या कर रहे हैं अभी हम लोग, क्या लिख रहे हैं मालूम है क्या, डेप्रिशिएशन माइनस किया ना, तो डेबिट में आएगा, किधर रहेगा, डेबिट में। इधर लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी, क्या लिखेंगे, टू 2,000 ठीक है। और ये एसेट्स बढ़ गया ना, तो एसेट बढ़ गया तो फायदा होता है राइट, तो फायदा इधर लिखेंगे, बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय कितना बढ़ गया 10,000, सिंपल। माइनस किया तो इधर आया, प्लस किया तो इधर आया, फायदा होता ना। नेक्स्ट क्या दिया है, स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का। ओके,
शाबाश। आरडीडी 5%, आरडीडी का मतलब क्या होता है, चूना लगा दिया ना, जो पैसा आने वाला नहीं है, तो ये डाउट है। तो कितना परसेंट डाउट है, 5%। तो 24,000 का 10% 2400, तो 10% थोड़ी बोला, 5% तो 1200 आएगा, 2400 का आधा। नहीं समझा तो क्या, लेने का पैन साइड में घुमा देने का, 5% 2020 क्या, इसको करेंगे तो 1200 आ जाएगा। ओके, क्या करेंगे, माइनस 24 में से एक गया 23, 23 में से 200 गया तो 22800। एसेट्स में जो भी माइनस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में रहेगा। न्यू आरडीडी डाउट, चूना लगने वाला है 2400 का। ओके, आफ्टर दैट अभी ये वाला बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इधर फर्नीचर 8000 दिया है, फर्नीचर कितना दिया है 8, और स्टॉक कितना दिया 16। तो पहले स्टॉक सॉल्व करता हूँ। रीवैल्यू मतलब चेंज, रीवैल्यू मतलब चेंज कैन बी मोर और लेस। ओके, स्टॉक फर्नीचर पहला नाम क्या है, स्टॉक, तो स्टॉक का कितना चेंज हुआ 20, तो 20 बाहर लिखना है, ऐड नहीं करना है, 20 कहाँ लिखना है बाहर। तो अब इसको पढ़ो, 16 से कितना हो गया, तो 4000 बढ़ गया कम हो गया, आप ही देखो, 16 से 20 हुआ ना, तो 4000 बढ़ गया, तो उसको एप्रिसिएशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मतलब एसेट की वैल्यू बढ़ ली। ओके, कितनी 4000, तो वैल्यू बढ़ गया तो फायदा हो गया ना यार, इधर लिखेंगे स्टॉक कितना 4000। सो सिंपल, अभी फर्नीचर भी आप लोग हेल्प करेंगे, फर्नीचर, फर्नीचर सेकंड नाम है तो सेकंड, फर्नीचर कितना हो गया 4, तो फर्नीचर था 8, अब हो गया 4, 8 से 4, तो वैल्यू क्या हो गया, कम, कमी साली है ना, कम हो गया। ओके, तो कम हो गया तो क्या हो गया, डेप्रिशिएट, तो इधर लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे 2, फर्नीचर कितना कम हो गया 4000, सिंपल। अब इसके बाद थर्ड किया, फोर्थ किया, फिफ्थ किया, अब बोलते हैं ना जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई, इधर ही है। तो दे एडमिटेड गौरव, कौन आया, तो गौरव आया, तो अच्छी बात, आन दो उसको, क्या लेके आया 20,000 कैपिटल, और रेशियो कितना दिया 1/5, रेशियो को बाद में काम करेंगे, रोकड़ा कितना लाया 20। तो कभी भी नाम आता है तो नाम वाले में आने का, बाय कैश, क्या लिखा, कौन लाया पैसा, गौरव, तो गौरव के गले में डालेंगे ना, कितना लाया झोली में पैसा 20,000, जैसे लिखेंगे 20,000, ये एक इफेक्ट हो गया, वेरी गुड, एडजस्टमेंट को दो बार, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है ना, तो अपने पास कैश 12,000 था, कितना था, तो उसने 20 लाया तो 20,000 बढ़ गया ना, सिंपल। अब गुडविल शुड बी रेस, तो गुडविल कितना रेस किया 16,000, तो गुडविल 16,000 दिया, ठीक है। अब इधर कहानी आई भी, यही तो मेन पार्ट है यार, गुडविल 16,000 है और वो रेस करने बोला है। ओके, रेस, तो रेस, रेस के बाद एंड बोला है रिटर्न ऑफ, रेस एंड रिटर्न ऑफ, क्या बोला, रेस एंड, तो जब भी गुडविल रेस एंड रिटर्न ऑफ बोला रहेगा ना, तो रेस को पहले यहाँ बांटेंगे दोनों पार्ट में, ओल्ड रेशियो में, कौन से रेशियो में, फिर गुडविल को यहाँ डेबिट में लिखेंगे, गुडविल रिटर्न ऑफ, क्या लिखेंगे, गुडविल, तीनों को बांटेंगे न्यू रेशियो में, तीनों को बांटेंगे, तो पहले ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, ओल्ड रेशियो दिया है 1:1 मतलब आधा आधा, तो 16,000 का आधा कितना देगा 8,000, 8,000 16 का था, बट अब ये जो गुडविल को रिटर्न ऑफ करना है, रिटर्न ऑफ मतलब होता है कि बैलेंस शीट पे नहीं शो करना है, तो तीनों पार्टनर को मिलेगा, मतलब उसका 16,000 अभी तीनों हिसाब में बांटेंगे, तो कौन से रेशियो में रिटर्न ऑफ करने का रहता है, न्यू रेशियो में, तो अभी न्यू रेशियो सीखना पड़ेगा अपने, तो न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं और स्टार्ट करते हैं। ओल्ड रेशियो कितना दिया है 1:1, नो डाउट है, नहीं, तो न्यू रेशियो के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मान लें बैलेंस रेशियो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बैलेंस रेशियो कैसे आता है 1 माइनस, क्या लिखेंगे, जो नया पार्टनर है उसको कितना हिस्सा मिल रहा है 1/5, नया पार्टनर का रेशियो 1/5, इधर लिखा 1/5, अब इसको सॉल्व करो, 5 वन दा 5, तो ये लाइन बड़ी हो गई, नीचे 5 रहेगा, 5 वन दा, और 5 में से गया तो 4, तो ये 4/5 क्या है, तुम्हारा बैलेंस रेशियो है, क्या है, नाउ वी हैव टू फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या फाइंड करना है, तो उसका कौन है, संकेत है, निकेत है, गौरव है, गौरव का तो 1/5 क्वेश्चन में दिया है ना यार, तो गौरव से तो इन दोनों का ढूंढ रहे, ओके, गौरव से इन दोनों का हम लोग सर्च करें, ठीक है। तो अभी सबसे पहले क्या करेंगे मालूम है, फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस रेशियो, ओल्ड और बैलेंस को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आ जाओ, ओल्ड रेशियो क्या 1:1, दोनों को प्लस करो,
टू, तो ये हो गया वन बाय टू, ये भी हो गया वन बाय, तो ये ओल्ड रेशियो वन बाय टू है। ये क्या पढ़ो, बैलेंस, बैलेंस कितना है फोर बाय फाइव, कैंसिल होता ना टू के टेबल में दो बार, तो संकेत का रेशियो है टू बाय फाइव, कितना है अभी निकेत, ओल्ड रेशियो कितना है वन बाय टू, और न्यू रेशियो बैलेंस रेशियो कितना है फोर बाय फाइव, है ना, बैलेंस फोर बाय फाइव ना, और ओल्ड क्या है वन इज टू वन, वन बाय टू ओल्ड बैलेंस, वन ज़ा टू ज़ा टू बाय फाइव, नीचे नंबर क्या है फाइव, नीचे नंबर क्या है, और इसका भी क्या है फाइव, सेम है ना, तो न्यू रेशियो मिल गया, क्या मिला टू इज टू वन इज टू वन, टू इज टू, टू इज टू वन, क्या मिला, तो ये जो 16,000 गुडविल है ना वो रिटर्न ऑफ हुआ, क्या हुआ, तो रिटर्न ऑफ को हमेशा कौन से रेशियो में बांटेंगे, न्यू प्रॉफिट, तो 16,000 है, रेशियो क्या है टू इज टू, टू इज टू वन, इसको ऐड करेंगे पाँच होएगा, तो इसको फाइव से डिवाइड करेंगे, किससे, तो 16 नहीं जाएगा 15 तीन बार जाएगा 3200 3200, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 1 से, तो इसको 2 से करेंगे तो 6400 3200, मतलब पहले गुडविल को ओल्ड रेशियो में बांटा, इधर कौन सी रेशियो में बांटा, न्यू रेशियो, न्यू रेशियो क्या है टू इज टू, टू इज टू वन, तो इसको 6400, इसको 6400, इसको 3200, पैसा सम भी रहता है बच्चे लोग, यू हैव टू फोकस, ओके, तो वापस से कैसे बांटा पड़ा है, 16,000 है 221 है ना, इसको ऐड करो कितना होता है पाँच, तो पाँच से डिवाइड करेंगे ना, 5 3 15, 16 में से पाँच गया एक बचा ना, पाँच के टेबल में 10 दो बार जाएगा ना, जीरो नीचे है जीरो पर, जीरो नीचे है जीरो पर, 32 है, तो एक बार 2 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से, तो 2 से करेगा 64 64 32, है ना, तो पहले यहाँ बांटा दो को, यहाँ तीनों को बांटा, तीनों को कब बांटेंगे, जब रिटर्न ऑफ आएगा, क्या आएगा, फिर बैलेंस करेंगे, अभी प्लस और माइनस आएगा, ठीक है, तो आ जाओ, ये 14,000 है, ये कितना होगा 4,000 2,000 6,000, 6 और 2 8,000 8,400, तो ज़्यादा कौन सा हो गया 14,000, है ना, और कुछ मिस हुआ क्या नहीं, एक काम करता मैं टोटल नेक्स्ट वीडियो में करा देता हूँ, ठीक है, इसको इसको बैलेंस करके प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट को या तीनों को बांटेंगे, तो मेन इसमें न्यू रेशियो वाला सीख लेंगे, ठीक है, मैं और सम करा दूंगा, तो इसमें टोटल का पार्ट सॉल्व किया वो देख भी सकते हैं, ठीक है, थैंक यू।